अपोजिशन कहती थी हुकूमत आज गिरी या कल गिरी, मुझे अब इनकी फिक्र है कि ये आपस में साथ रहेंगे या नहीं। वजीर आजम का ज्यारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब, कहा इख्तदार में अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या कौम के लिए। खुशी है कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल गया, हमारी अगली हुकूमत में मुल्क मजीद ऊपर जाएगा। मौशी तरक्की पर मुखालफीन परेशान हैं, उन पर तरस आता है। बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया। वजीर आजम हूँ बादशाह नहीं, मुझे भी वजीर खजाना से बात करके देखना पड़ता है कितना पैसा है। ट्वीट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत भी की। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का आजम, कहा बलूचिस्तान का अमन सबोताज नहीं करने देंगे। जाली मुआशी तरक्की के गुन गाना इमरान खान की आदत है। 21% से ज्यादा शराय गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को झूठा साबित कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। अवाम इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को मुस्तरद कर चुके हैं। मुआशी मसाल से नावाकिफ इमरान खान ने इक्तदार तो हथिया लिया लेकिन इल्म नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। पीडीएम को भी आड़े हाथों लिया, बोले इमरान और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी तो पीडीएम का क्या फायदा। पीडीएम गपशप के लिए नहीं बनाई थी, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वाजे है। मुस्लिम लीग नून ने NCOC से आजाद कश्मीर में इलेक्शन के इल्तवा के लिए लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मिली भगत है, जो चीज गिलगित बल्तिस्तान में हुई वही आजाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। आजाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो की आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की कोशिश पर एहतजाज की धमकी, बोले PTI को शिकस्त नजर आ रही है इसलिए इलेक्शन से फरार चाहती है। रिपोर्ट काफी बड़ी है, थोड़ा वक्त चाहिए था। हकायक पर मबनी अली जफर की रिपोर्ट में जो कुछ भी होगा उस पर हुकूमत मिनोअन अमल करेगी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की दो शख्सियात में जो मैच चल रहा है वो ड्रॉ होगा। लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत। सईद गनी कहते हैं जिस GDP पर बगलें बजाई जा रही है वो डेटा हफीज शेख के दौर का है। ये मजाक PTI की नाअहल और नालायक हुकूमत में ही हो सकता है। गांवों को खुश करने एजेंसीज पर इल्जाम लगा रहे हैं, उम्मीद है असतूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। वजीर दाखला शेख रशीद कहते हैं फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदही हो सकती है, 3 लोग हैं उन तक ना पहुंच सके तो इश्तिहार देंगे, मुलजिमान तक पहुँच गए तो सब चुप हो जाएंगे। यार कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग, वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मसाइल के हल के लिए फौरी फैसले लेने जा रहे हैं। इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। 100 अरब रुपए के मंसूबे अस्पतालों की बेहतरी के लिए शुरू हो रहे हैं। वफाकी बजट बढ़ गया है, बेहतर से बेहतर का अमल चलता रहेगा। चीनी सफी ने पाक कोरोना वैक्सीन की तैयारी को दोनों ममालिक की मुश्तरका कामयाबी करार दिया, कहा पाकिस्तान और चीन कोरोना के खिलाफ एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमती इकदामात और SOPs पर अमल दरामद के असरात, मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, केस मस्बत आने की शरह 3.7% रह गई। 24 घंटों में 1771 केस रिपोर्ट और 71 मरीजों का इंतकाल हुआ।